हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैक टेक। आज से हम HMT स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके AKTU के एग्ज़ाम और जितने भी PSUs एग्ज़ाम होते हैं उन सब में हेल्पफुल रहेगा। तो थर्मोडायनामिक पढ़ने से, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ने से पहले आप सभी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से मेरा, कि आपने सभी लोगों ने थर्मोडायनामिक तो अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। थर्मोडायनामिक के अंदर किस बारे में हम डील करते हैं, है ना, क्या बताता है हमें थर्मोडायनामिक? तो थर्मोडायनेमिक हमको इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, ठीक है। जबकि हीट ट्रांसफर में अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या पता चलता है, इट टॉक अबाउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि थर्मोडायनेमिक में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते थे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन पार्टी तो है हीट एंड मास ट्रांसफर, और इसमें हमें बताना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीट एंड मास ट्रांसफर में तीन मोड होते हैं जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। कौन कौन से मोड होते हैं? एक तो कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो दोस्तों, कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है और रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों आता हो। एक सेकंड है आपके पास, सोच कर बताइए मुझे, है ना। चलो मैं ही बताता हूँ आपको, और जिसको भी पता हो वो वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से कंडक्शन और किस तरीके से कन्वेक्शन और किस तरीके से रेडिएशन होता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है बॉयलर। तो यहाँ मैं लिख के भी लाया हूँ आपके लिए, स्पेशली सब कुछ लिख के लाया हूँ, कि एग्जाम्पल ऑफ ऑल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर यूज्ड, डेट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों चीज़ यूज़ होती है किसमें? बॉयलर में यूज़ होती हैं। अब देखिए बॉयलर में किस तरीके से यूज़ होती है, ये भी आप देखिए, कैसे बॉयलर से हम स्टीम जनरेट करते हैं, उसके बाद हीट जनरेट करते हैं ना स्टीम के द्वारा। तो देखिए किस तरीके से, मान लो हमारे पास बॉयलर का ये क्या है, ड्रम है, बॉयलर ड्रम है, यहाँ पर वाटर है आपका ये, और ये आपका हेडर है, ये हेडर है आपके नीचे, ठीक है। और यहाँ ये पाइप गए हैं, इस तरीके से क्या है, ये पाइप गए हुए हैं, ठीक है। अब हमको एक काम करते हैं, हम इस पाइप को हमने अलग ले लिया, देखो यहाँ पर हमने ना इस जगह इस पाइप के टुकड़े को हमने अलग ले लिया, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, ये हमने एक पाइप उठा लिया ना, ये वाला जो पाइप था हमारा, ये हमने एक पीस यहाँ उठा लिया ये। अब आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारे जो पाइप बने होते हैं ये किसके बने होते हैं बताओ मुझे, स्टील के बने होते हैं या फिर कास्ट आयरन के बने होते हैं या कॉपर के बने होते हैं, किस मेटल के बने हुए थे ये मुझे आप बताइए, और क्यों बने होते हैं ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। अभी हम समझते हैं क्यों, क्या है, किस तरीके से कंडक्शन होता है। देखो हमारे पास पाइप है, ये पाइप के अंदर क्या है, हमारा वाटर है, ये इस तरीके से वाटर जाएगा गर्म होकर ऊपर की तरफ इस तरीके से, है ना, गैसेस की फॉर्म में ऊपर इस तरीके से वाटर जाएगा। तो हमारे पास पाइप ये है, ये पाइप बना होता है हमारे स्टील का दोस्तों, स्टील का बना होता है। स्टील का क्यों बना होता है? क्योंकि स्टील के अंदर जो तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस वजह से हमारा आयंस ट्रांसफर होते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे आयंस थे, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए किसकी मदद से आए, ये कंडक्शन की मदद से आए, कंडक्शन हुआ यहाँ से आयंस को यहाँ तक जो आए वो किस वजह से आए, कंडक्शन की वजह से आए, यानी कि उसमें क्या हीट ट्रांसफर हुई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। हीट ट्रांसफर किसकी वजह से हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुई। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आते हैं, मेटल और नॉन मेटल के अंदर, आपने पढ़े होंगे मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इतनी जो बीच की प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक आने में ही, है ना, किस वजह से आ रही है, कंडक्शन की वजह से आ रही है। ये बात आपको तुमने देखा भी होगा, स्टील की कोई भी चीज़ हाल गर्म हो जाती है ना, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखो कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक। क्यों ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री आयंस थे। अब यहाँ पर हमारी हीट ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है नीचे, देखो कंडक्शन मेटल के अंदर होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकन, कार्बन, CU, एल्यूमिनियम, इन सब में होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर, और वही जो वाटर था हमारा लिक्विड फॉर्म में जो वाटर था, और ये गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रहा है,
तभी तो हम इसे स्टील का बनाते, क्योंकि सारी हीट एब्जॉर्ब कर सके स्टील, वरना अगर हम कास्ट आयरन का बनाते तो कास्ट आयरन कैसा होता है, हमारा ब्रिटिल होता है, बिना हमें इन्विटेशन दिए टूट जाता कभी भी, तो वो दिक्कत करता हमको। इसीलिए हम यहाँ पे स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्टील क्या होती है, डक्टाइल होती है, डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट होती है, फटने से पहले इशारा दे देगी, ठीक है। और जितना ये वाटर है ऊपर किस फॉर्म में चला जाएगा, वाटर किस फॉर्म में चला जाएगा, ये वाटर जो हमारा होगा ये गर्म होगा, स्टीम बनेगा ना ऊपर जाके, तो ये जिस तरीके से ऊपर जाएगा है ना गर्म होके, तो वो किस प्रोसेस के दौरान होगा, कन्वेक्शन के दौरान होगा वो, ठीक है। अब जब कन्वेक्शन के दौरान हो गया, यहाँ पर वाटर आ गया हमारा स्टीम बन के, अब जो हमारी स्टीम बनी इस ड्रम के अंदर, आप मुझे ये बताइए क्या मैं ये स्टीम को डायरेक्ट टरबाइन के अंदर भेज दूँ, नहीं भेज सकता ना डायरेक्ट टरबाइन के अंदर, क्योंकि इसमें अभी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा दोस्तों, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी कम होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर हम सुपर हीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, सुपर हीटर लगाते हैं, और यहीं पर रेडिएशन होता है सुपर हीटर के पास, तो यहाँ मान लो हमने 250 डिग्री सेल्सियस की हमारी स्टीम है वो हमें टरबाइन में भेजनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड से टरबाइन में, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा होगा टरबाइन स्टीम का, जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी हमारी, उतनी तेज़ हमें उस पंखे पर लगेगी जाके। तो यहाँ पर जो हमारे पास सुपर हीटर है, इस सुपर हीटर में स्टीम को हम और गर्म करते हैं, क्यों गर्म करते हैं, जितना भी हमारी स्टीम होती है उसके वाटर को बॉयल करने के लिए, जितना भी स्टीम होती है उसके जितना मॉइस्चर जो भी होता है उसको गर्म करेंगे और सुपर हीट करेंगे। मान लो यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस की हमारी स्टीम थी, और सुपर हीट करने के बाद यहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस की मिलेगी, ठीक है ना, कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों, 350 का लगभग डिफरेंस आ गया, उसके बाद टरबाइन में फेंकेंगे हम लोग, तब जाके हमारे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप मुंह लगा के देखोगे ना ऊपर से, तो आपका मुंह काला हो जाएगा, जल जाओगे, तो वो किस वजह से होगा, रेडिएशन की वजह से होता है दोस्तों। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रेडिएशन में जैसे आपकी छत होती है ना, सूरज की रोशनी, सूरज की वजह से गर्म धूप में, गर्मियों के टाइम धूप की वजह से आपका कमरा गर्म हो जाता है, छत भी गर्म हो जाती है, अगर आपका रूफ ऊपर ही है तो किस वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है, कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट भी आ रही है, धूप वगैरह किस वजह से आ रही है, वो रेडिएशन की, वही तो रेडिएशन लाइट होती है, इसकी वजह से आपका रूम भी गर्म हो जाता है, तो ये सब क्या है दोस्तों, रेडिएशन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया, यही तीन चीज़ ऐसी हैं जो हम हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। अच्छा एक चीज़ तो यहाँ पर रह गई, वो क्या रह गई, देखो डेल्टा टी, ये मैं आपको नोट करके लाया हूँ बहुत पर्सनली अच्छी तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, वरना क्वांटम में आप देखोगे तो बड़े दिक्कत करेगा आपको। देखो डेल्टा टी क्या है हमारा, इज एसेंशियल फॉर एनी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, डेल्टा टी जरूरी होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी होना चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और मोर द डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा आपका, मोर द हीट ट्रांसफर रेट, उतना ही हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कंडक्शन के ऊपर। देखो कंडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, कंडक्शन दो वजह से आता है, एक तो मेटल की वजह से कंडक्शन हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल की वजह से हो सकता है। तो देखिए मेटल की वजह से कंडक्शन होगा, वो क्यों होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा देखो आयरन होता है, आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे, तभी तो उसमें बोलते नहीं मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर BCG, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ये सब क्या है, मेटल्स तो हैं अपने, इनकी वजह से ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल है ना। तो यहाँ पर दो रीजन, देखो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, कंडक्शन के अंदर मेटल और नॉन मेटल के अंदर, मेटल और नॉन मेटल की वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होता है। मेटल की वजह से क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैटिस वाइब्रेशन होते हैं। आपको लैटिस वाइब्रेशन समझना बहुत जरूरी है। देखो मान लो यहाँ पे बात, ये तीन हमारे पास दो ब्लॉक है, तीन ब्लॉक हैं, और लैटिस वाइब्रेशन किस तरीके से होते हैं, ऐसे धम 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 इस तरीके से लैटिस वाइब्रेशन होते हैं, उस वजह से हीट ट्रांसफर होती है, ये बात आपको याद रखनी है कंडक्शन के अंदर। और अच्छा एक बात बताइए मुझे, बोर्ड देखा है आपने, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड देखा होगा आपने, वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी कि मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, बताऊँ मुझे सोचकर,
जाहिर सी बात है नॉन मेटल होगा, क्यों, तभी तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है ना, तभी तो हमें करंट नहीं लगता, तो नॉन मेटल का हम बनाते हैं उस चीज को। तो तुमको समझ आ गया होगा कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कंडक्शन के अंदर। देखो मैं लिख के भी लाया हूँ आपके लिए, क्या लिख के लाया हूँ वो देखिए। हाँ इसी जो मैंने आपको बात बताई थी उसको लिखते कैसे, वो भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। देखो, गुड कंडक्टर हैव सफिशियंट फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर गुड कंडक्टर होगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, विच रिजल्ट, जिसकी वजह से कंडक्शन हीट ट्रांसफर, जिसकी वजह से क्या होगा कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर होगा। वेयर एज नॉन मेटल और इंसुलेटर, जो नॉन मेटल में और इंसुलेटर के अंदर हैव जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैंस कंडक्शन डिपेंड अपॉन ओनली लैटिस वाइब्रेशन, इसीलिए कंडक्शन जो उसमें होता है वो किस वजह से होता है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है इंसुलेटर और नॉन मेटल के अंदर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल के बेस के लिए मैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी लिख के लाया हूँ, जो आगे चल के हेल्प करेगी कि क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन, अभी वाट पर मीटर सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अगर हम कॉपर की बात करें तो कितनी होती है 385, सिल्वर की बात करें सिलिकॉन की कितनी होती है हमारी 405 वाट पर मीटर केल्विन, और एल्यूमिनियम की बात करें तो 200 वाट पर मीटर केल्विन, स्टील की बात करें तो 70 to 45 वेरी करती है, क्योंकि स्टील जो होता है अलग अलग तरीके की बनती रहती है, तो इसीलिए वेरी करती है 17 to 45। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। देखो तो इंसुलेटर मैंने आपको बताया प्लास्टिक हो गई, सबसे बेस्ट इंसुलेटर क्या है अपना प्लास्टिक हो गई, बैकेलाइट हो गया दोस्तों, देखो है ठीक है, इंसुलेटर है अपने बैकेलाइट के, जो बोर्ड वगैरह बनते नहीं अपने वाइट, जो तुम्हारे बोर्ड बिजली वाले बोर्ड होते हैं वो बैकेलाइट के होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से हमें करंट वगैरह भी नहीं लगता है ना, हीट ट्रांसफर रेट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो ये चीज़ है इंसुलेटर। ये देखो कुछ मैं लिख के लाया हूँ, ये आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने देखा होगा लाइट देखी होगी बिजली की, जो 11,000 की लाइन होती है ना, 11,000 की लाइन में आपने देखा होगा एक बीच में स्टील का बना होता है और उसके बाद कॉपर होता है या एल्यूमिनियम की परत, मतलब फोल्ड यूं करके फोल्ड लगे हुए होते हैं, उसको कवर करने के लिए हम ना खुला तो नहीं छोड़ सकते उसको, तो उसको कवर करने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एबेस्टोस, जिसकी कंडक्टिविटी 0.2 वाट पर मीटर केल्विन होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये बात की बात है, ये आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक। अभी हम बात करते हैं कंडक्शन इन गैसेस के बारे में, कि अभी तक तो हमने कंडक्शन समझ लिया, कंडक्शन किस तरीके से होता है और इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं कि गैसेस के अंदर कंडक्शन किस तरीके से होता है, तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से लिख के लाया हूँ आपके लिए, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट, वहाँ पर मूवमेंट की वजह से होता है, फ्रॉम हाई वेलोसिटी टू लो वेलोसिटी, मूवमेंट कहाँ से ट्रांसफर होता है, हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ, मॉलिक्यूल्स हीट कंडक्टर आल्सो अकर इन गैसेस बाय मॉलिक्यूलर मोमेंटम, इसकी वजह से और होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम हो या फिर मूवमेंट हो कोई सा भी हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। हाउएवर कंडक्टिविटी इन गैसेस वेरी वेरी लो, इसी वजह से गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी बहुत कम होती है दोस्तों, क्योंकि मूवमेंट की वजह से होता है वहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस तरीके से, जबकि हम लिक्विड में अगर हम देखें या फिर वाटर में हम देखें तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प मिल जाती है, इसीलिए वहाँ पर मूवमेंट क्या होता है कंडक्टिविटी उसकी वहाँ की ज़्यादा होती है या बहुत कम कम होती है, मतलब क्यों कम कम होती है वो देखिए कितनी कितनी होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कंडक्टिविटी ऑफ एयर की 0.2 वाट पर मीटर केल्विन होती है, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी एयर की, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिक्विड आर स्लाइटली बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, लिक्विड के अंदर हीट बहुत जल्दी बेटर कंडक्टर होती है, बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाता है जब गैसेस कंपेयर टू गैसेस के दौरान, ठीक है। अब गैस से कंपेयर करें तो लिक्विड आर बेटर होते हैं, लिक्विड में हीट ट्रांसफर रेट जल्दी होगा ज़्यादा होगा लेकिन गैसेस के दौरान, ठीक है, गैसेस के कंपैरिजन में। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि डायमंड हमारा नॉन मेटल होता है दोस्तों, ठीक है, और फिर डायमंड की कंडक्टिविटी इतनी हाई क्यों रहती है, जबकि अगर हम देखें तो नॉन मेटल की कंडक्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि वहाँ फ्री कुछ नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि डायमंड हैज द परफेक्ट क्रिस्टलाइन लैटिस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स,
डायमंड के अंदर परफेक्ट क्रिस्टलाइन लैटिस अरेंजमेंट होता है, इसीलिए डायमंड की कंडक्टिविटी इतनी हाई होती है। ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर वगैरह, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ वाटर की कंडक्टिविटी की बात करें तो कितनी होती है 0.61 वाट पर मीटर केल्विन, और जबकि एयर की मैंने अगर आपको बताई तो 0.2 होती है। देखा कंडक्टिविटी किसकी हाई है, वाटर की कंडक्टिविटी हाई है, इसीलिए वाटर के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में कंडक्टिविटी कितनी होती है, हाई होती है। हीट ट्रांसफर रेट भी हाई होता है वाटर के अंदर कंपेरिजन टू किसके कंपेरिजन में, उसके कंपेरिजन में, एयर के कंपेरिजन में। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, चलो इसको देख ही लेते हैं हम लोग। वाई मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ हम क्यों करते हैं। थर्मोमीटर आपने देखा होगा टेम्परेचर अगर नापते हैं हम लोग, है ना, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, हाई थर्मल एक्सप्रेशन होता है उसका, और लो वेपर प्रेशर होता है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये छोटा सा वो दे रखा है कॉन्सेप्ट, मैंने लिखा था, आई थिंक आपको ये पता होगा ऑलरेडी कि पहाड़ में जो तुम्हारा हिमालय वगैरह होते हैं वहाँ पर चावल देर से क्यों पकते हैं। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में यहाँ पर दे रखा है, ये आप सभी को पता होगा, ये हम नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट हम कूदते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कंडक्शन क्या होता है और गैसेस के अंदर कंडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, आप याद कर लो या फिर, इट इज़ अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, विच डिफाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल। अलाउ करता है किसको, हीट एनर्जी को। हीट कंडक्ट हाई व्हेन कंडक्टिविटी इज हाई, अगर कंडक्टिविटी तुम्हारी ज़्यादा होगी तो हीट कंडक्ट रेशियो ज़्यादा होगा। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वाटर की कंडक्टिविटी हाई होती है इसलिए उसका हीट ट्रांसफर रेट भी हाई होता है, एयर की कंडक्टिविटी कम होती है इसलिए उसका हीट ट्रांसफर रेट भी कम होता है। ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं, तो यही रोल है कंडक्टिविटी का। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दूसरा टॉपिक आ रहा है अपना, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, तो देखो कन्वेक्शन मैंने अभी आपको बॉयलर का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर किस वजह से कन्वेक्शन हो रहा था, वाटर की वजह से कन्वेक्शन हो रहा था, ऊपर इस तरीके से आ रहा था, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, कन्वेक्शन में लिक्विड फॉर्म में ज़रूर होता है, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि वाटर वगैरह जो भी जितने भी लिक्विड होते हैं उस वजह से। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। तो देखो कन्वेक्शन दो तरीके से कन्वेक्शन हो सकता है, एक तो फोर्स कन्वेक्शन, तीसरा फ्री कन्वेक्शन। मान लो ये हमारे पास कोई भी वो मेटल दे रखा है या फिर कोई भी पीस दे रखा है, इसमें ऊपर से क्या फोर्स लगाया जा रहा है, ये एयर भेजी जा रही है ऊपर से, है ना। चलो इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे आगे, इस तरीके से फ्री कन्वेक्शन का ये डायग्राम है, ये फोर्स कन्वेक्शन का डायग्राम है। आप आगे बढ़ते हैं, आपको कन्वेक्शन पहले समझाता हूँ, उसके बाद तो दोनों चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए कन्वेक्शन बहुत सिंपल डेफिनेशन में लिख के लाया हूँ आप सभी के लिए, देखिए आपको समझ भी आ जाएगी। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे पहली बात देखो यही सिंपल सी है लाइन, कन्वेक्शन क्या है, एक मोड है किस चीज़ का, हीट ट्रांसफर का, विच जनरली अकर बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड। किसके बीच में जनरली अकर होता है, देखा जाता है सॉलिड सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड के बीच में, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात मैंने आपको बताई थी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, है ना। एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि क्यों इसमें माइक्रोस्कोपिक बल्क डिस्प्लेसमेंट होता है और क्या थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब एक फॉर्म दूसरी, मतलब ट्रांसपोर्ट होती है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता होगा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वही टेम्परेचर डिफरेंस के कारण देखा जाता है कन्वेक्शन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, एक बार और पढ़ लीजिए आप, कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली अकर बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक बल्क डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड। जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है किस वजह से आता है, माइक्रोस्कोपिक बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, और कैसे आता है, ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी की वजह से। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमको सबसे पहला केस क्या देखना है, फोर्स कन्वेक्शन।
कि फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। देखो फोर्स कन्वेक्शन आपने उसमें देखा होगा, आपने सीएनसी मशीन चलाई है, सब लोगों ने सीएनसी मशीन तो चलाई होगी, अगर डिप्लोमा किया है आपने तो कंपनी के अंदर भी होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त कंपनी में काम भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपने सीएनसी मशीन में देखा होगा जब स्क्रब निकलता है, जब हम मेटल मेटल को वो करते हैं, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पर स्क्रब फॉर्म में फंस जाता है, तो वहाँ पर लिक्विड का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऊपर से लिक्विड, इस तरीके से लिक्विड डालते हैं ना ऊपर से, तो वो फोर्स कन्वेक्शन के अंदर आता है, उस वजह से लिक्विड डालते हैं ना ऊपर, वो फोर्स कन्वेक्शन की वजह से आता है। तो वो यहाँ पर लिखा होगा हेयर हीट ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड बाय मोशन ऑफ फ्लूइड, किस वजह से हीट ट्रांसफर प्रोवाइड होती है, मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मोशन की वजह से, बाय फैन हो गया या फिर बॉयलर हो गया, ब्लोवर हो गया या पंप वगैरह हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्री कन्वेक्शन देखते हैं। तो हेयर हीट ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड बाय मोशन ऑफ द फ्लूइड, या भी मोशन ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू बायोएंसी फोर्स, क्या बायोएंसी फोर्स है, अराइजेज आउट ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ पर डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, है ना, क्योंकि बायोएंसी फोर्स अराइज हो रहा है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर फ्री कन्वेक्शन होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेडिएशन। देखो रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, रेडिएशन क्या होता है, जैसे धूप की वही किरणें आ रही हैं, आपकी रूम गर्म हो जा रहा है ना, तो गर्मियों में आप देखते हो कि आपकी छत गर्म होगी, कमरा गर्म हो रहा है, तो रेडिएशन की वजह से ही होता है, या फिर रूम में एक होल कर दिया वहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं, तो वो रेडिएशन की वजह से होता है, इसलिए मैंने इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी, ये तो सिंपल सी आप लिख सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टीफन्स लॉ। सबसे पहले हम स्टीफन्स लॉ को देखते हैं। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, जो हीट ऑफ रेडिएशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी की पावर 4 के, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यानी कि ये वाला साइन हम जब हटाएंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, एक स्टीफन कांस्टेंट आता है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5.67 × 10⁻¹⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन फोर्स, ठीक है। और अगर नोट डाल के लिख लो तो क्या है कि इट अकर एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर से हो सकता है ये स्टीफन, है ना, रेडिएशन। देखिए इट डोमिनेंस एट अबव 300 डिग्री सेल्सियस, रेडिएशन कोई से भी टेम्परेचर और रेडिएशन आ सकते हैं, बट ज़्यादातर अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो अबव 300 डिग्री सेल्सियस के बाद ही हम देखते हैं रेडिएशन को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख के भी लाया हूँ आई थिंक आपके लिए, ये है देखो, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर एमिट थर्मल रेडिएशन, जितनी भी बॉडीज हैं ऑल टेम्परेचर एमिट थर्मल रेडिएशन हो सकते हैं। इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी मोड है हीट ट्रांसफर का, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, यहाँ पर हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि कन्वेक्शन के अंदर हमें लिक्विड है ना या फिर फ्लूइड उसकी रिक्वायरमेंट थी हीट ट्रांसफर के लिए, यहाँ किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ कंडक्टर में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। मटेरियल मीडियम एंड अकर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, यहाँ पर किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन की वजह से, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंस से ट्रैवल करते हैं, इट इज कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर, इसी को हम रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर बोलते हैं। यहाँ पर बोलते नहीं है देखो, यहाँ सन है, सन की वजह से रेडिएशन ये नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह से तुम्हारे घर छत गर्म हो जाती है, ये सब ना, तो ये क्या है, यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, है ना, तो उस वजह से रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है, सेंड टू अर्थ हीट ट्रांसफर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रेडिएशन क्या होते हैं। अब चलो देखो, देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है, और किस तरीके से कंडक्शन एयर में कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, वो भी हमने देख लिया। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है हमारा कि लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन कौन से लॉज होते हैं, कंडक्शन के लिए कौन सा लॉ होता है, कन्वेक्शन के लिए कौन से लॉ होते हैं, और रेडिएशन के लिए कौन से लॉ होते हैं।